शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं श्रीहरि विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं। तुम यहाँ क्यों आई हो? आप ही ने तो बुलाया था मुझे। मैंने बुलाया था क्या? हाँ। क्यों बुलाया था? अब मैं कैसे जानूं ये? मुझे भी याद नहीं क्यों बुलाया था। हाँ याद आ गया, आज शुक्रवार है ना, तुमने प्रसाद बनाया क्या? अरे हाँ आज शुक्रवार है, इसलिए मैं भी मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ा कर आई हूँ। अच्छा तो ज्योति को बताई थी क्या? ज्योति को बताना भूल गई। तुम भी भूल गई, मुझे भी याद नहीं रहता, तुम्हें भी याद नहीं रहता। ज्योति ज्योति क्या है पापा? बेटी आज शुक्रवार है, तुमने भगवान का प्रसाद बनाया है? हमेशा प्रसाद बुआ ही तो बनाती है। वो भूल गई तो तुम्हें तो बनाना चाहिए था। सॉरी पापा। उनको जाकर बोलो, जाओ। सॉरी बुआ। कोई बात नहीं बेटी, मैं भी तो भूल गई ना, मेरी गलती। सॉरी। नमस्कार। ये कब आ गया? तुम्हारी बेटी की शादी हुई थी तो मैं पहुंच नहीं पाया था। अरे अरे, वो मेरी बेटी नहीं थी, मेरे भाई की बेटी ये थी। बात हाँ। है तुम्हारे भाई की शादी हो गई है? शादी का बच्चा कैसे होगा? हाँ ठीक है। क्या भाई, वो ऊपर से नीचे गिर गया था ना। कन्फ्यूज मत करो भाई, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही भूल रहा हूँ। अच्छा बोलो, हमारी ज्योति के लिए एक लड़का देख लिया है। हाँ? लड़का फॉरेन में है, डॉक्टर है। अच्छा, तुम्हारी बहन की बेटी के दिल में छेद है ना। हाँ, हाँ? वो देख लेगा। नहीं, सब कुछ भगवान की माया है, इसीलिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। सही है, भगवान इंसान के रूप में आते हैं, भगवान ने ही तुम्हें यहाँ भेजा है। इंसान इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। ए ए, गाड़ी रोको, रोको गाड़ी, गाड़ी रोको भाई। ए गुप्ता, क्या हुआ? आ? गाड़ी के बीच में क्यों आ रहा है? ए, मैंने 5 लाख रुपया दिया था ना अपनी बेटी की नौकरी के लिए, वो पैसे मुझे वापस दो। ए, मैं शिक्षा मंत्री से कह दूंगा, तुम्हें ऑर्डर मिल जाएगा। वो ऑर्डर लेके मैं चाटूंगा क्या? ए, जानता किससे बात कर रहा है? मेरी बेटी को नौकरी नहीं मिली इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। अब पैसे तो वापस दे दो। अगर पैसा नहीं दिया तो क्या कर लोगे? अगर वापस नहीं किए तो अंदर करवा दूंगा मैं। अच्छा चल, अंदर करवा देना। गाड़ी निकाल रहे हैं। ए, इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दे। क्या बोला? गाड़ी चढ़ाएगा? ठीक है चढ़ा, चढ़ा के दिखा गाड़ी। ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, चढ़ा दे। मदुरई के साम्राज्य में सभी शराब के अड्डों का यही मालिक है, इसका नाम है वेलू। सारी से मार दिया तो मैं अंदर चला जाऊंगा। क्या सोच रहा है बे? गाड़ी को रिवर्स में ले, ऊपर चढ़ा के निकल जा, कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा। ठीक है ठीक है। यह है एमएलए धनराज, स्टेट से लेकर सेंट्रल तक घोटाला करने में माहिर है। सारी दुकानों से वसूली कर ली क्या? हाँ भाई, सभी दुकान कर ली भाई, किसी को भी नहीं छोड़ा। ये जो लोग हैं इन्होंने नया धंधा लगाया है। नमस्ते। ओ, धंधा वगैरह कैसा चल रहा है? आपके आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है मालिक। आप लोगों को पैसे की जरूरत नहीं, है मालिक, नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है, चलो। ऐसे घूर के क्या देख रहा है? 3 महीने के भाड़े का क्या हुआ? भाड़े के लिए पैसे तो निकाले थे, मेरी बीवी की बहन की शादी में वो पैसे खर्च हो गए मालिक, अगले महीने मैं सब चुका दूंगा मालिक। तेरी एक साली भी है, ये तूने कभी बताया नहीं। तेरी इतनी खूबसूरत साली है, भाई को पता ही नहीं था, नहीं तो दुकान फ्री में दे देते, कुछ भाड़ा नहीं लेते। पहले तू ये चाबी मुझे दे। मालिक, इस दुकान के सहारे ही हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आपने ये चाबी ले ली तो हम कैसे जिएंगे मालिक? मेहरबानी कीजिए हम पर, प्लीज। चाबी दे दीजिए मालिक, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ठीक है, इस चाबी को तुम रख लो और ये मंगलसूत्र मुझे दे दो, जब 3 महीने के भाड़े का इंतजाम हो जाए तो ये मंगलसूत्र लेते जाना। ये मदुरई सेंट्रल मार्केट में लोगों को कर्ज देकर जनता को बेवकूफ बनाने वाला शेरवा है। नहीं मालिक, मंगलसूत्र मत लीजिए। ये मंगलसूत्र जिसे तूने छूने की कोशिश की, ये तेरी भैंस की लगाम नहीं है, बल्कि एक औरत का पवित्र मंगलसूत्र है, उसे जिसने बांधा है सिर्फ वही छू सकता है, समझा? और ये है अपना हीरो, उसी सेंट्रल मार्केट में गरीब लोगों और व्यापारियों को बहुत ही कम ब्याज में पैसे देकर उनकी मदद करता है। तुमने भाई के ऊपर हाथ उठा। हाँ।
भाई सेंट्रल मार्केट में टेंडल मनी बुरी तरीके से पीट रहा है शेरवा को। हाँ भाई तेरे ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है तो तू कुछ भी करेगा। पैसे के लिए तूने एक औरत के मंगलसूत्र पर हाथ डाल दिया। अगर दोबारा मैंने तुझे ऐसा करते हुए देखा ना, तू अपनी पत्नी को कंट्रोल नहीं कर पाता है फिर इतनी बड़ी मूंछ क्यों रखी है? फिर तूने मूंछ रखी है? मैंने कहाँ रखी, वो तो अपने आप आ जाती है। पेट दर्द हो रहा है, नारियल पानी मंगवाया था ना, तो यहाँ खड़े होकर गप्पे मार रहे हो? चल जल्दी लेकर आओ। इधर डमडम करके आवाज आ रही थी, कोई ढोल बजा रहा था क्या? चुप रहो मामा। इतनी छोटी मूंछ रख कर कितना बोल वचन दे रहा था? इस गाँव में सब लोग ऐसे ही बोल वचन देते है क्या? अरे ऐसे उदास है जैसे घर पे कोई मातम हुआ है। यानी इसकी जो बहन है ना, शादी वाले दिन रात में भाग गई। उसकी उम्र क्या थी? 53 साल। तो 53 साल उम्र होने के बाद भी तेरी बहन मरने से बेहतर भाग गई, ये सोचकर तुझे खुश होना चाहिए। अच्छा तुझे किसी के ऊपर कोई शक है क्या? अरे वो है ना भाई, इसके घर के सामने एक बैचलर रहता है, ये बोल रहा था इसे उस पर शक है। क्या रे, तेरी बहन की उम्र अभी 53 साल है और वो एक छोटा सा बच्चा है, बैचलर करके बोल रहा है? छोटा लड़का ऐसा कर सकता है क्या? ये ऐसा पंच मारूंगा ना तेरे मुंह से सारा कोल्ड ड्रिंक बाहर निकल आएगा। बैचलर बोला था, लड़का नहीं बोला था। तो उस कमीने की उम्र 63 साल है पता है? अरे मुझे चप्पल उतार कर मारना। तो मुझे लग रहा है ना वो लोग या तो ऊटी गए होंगे या कोडाईकनाल में हनीमून मना रहे होंगे मजे से। अरे हनीमून तो छोड़ो, वो सिंगल मून भी नहीं बना सकते हैं। क्यों बोल रहे हो? तू अपनी बहन और जीजा को काशी रामेश्वर में जाकर ढूंढ। यहाँ ढूंढते ढूंढते तू बूढ़ा हो जाएगा बेवकूफ कहीं का। बेवकूफ कहीं का, तुझे क्या चाहिए? मामा वो आपको बुला रहा है। ये भी ना, अरे चाय वाला बुला रहा है आपको। वो क्या पी रहा है? अदरक की चाय। क्या पी रहा है वो? लेमन टी। उसके नॉर्मल टी। ये कौन सी चाय? दादा वो कॉपर टी है, उसमें डबल शक्कर डालकर एक सिंगल चाय बना। ऐसे बोलो। तू अपनी बीवी को लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला जा, वहीं पर तुझे कॉपर टी मिलेगी। नालायक सुबह सुबह आकर मेरा दिमाग खाते हैं। जाओ यहाँ से जाओ। क्या साहब, जब भी गाड़ी चलाता हूँ कोई ना कोई बीच में आ जाता है। नमस्ते मेले साहब। नमस्ते मणि, कल सेंट्रल मार्केट में तुमने शेरवा को बहुत मारा, ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 5-स्टार होटल में आइसक्रीम खा रहा हूँ। ठीक है लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहा, समझ में नहीं आ रहा है? दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते हैं भाई। ठीक है तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। तुमने जिस शेरवा को मारा है ना, वो एक नंबर का धोखेबाज आदमी है। उसके पास करोड़ों रुपए हैं, वो मार्केट में ब्याज पर पैसा देता है और उसने बहुत पैसा कमाया है, लेकिन जब मैं अपना पैसा मांगता हूँ तो वो मुझे टाल देता है, पैसा वापस ही नहीं करता। तू उसे खत्म कर दे, तुझे जितना पैसा चाहिए वो मैं दूंगा। सर आप ये क्या बोल रहे हो सर? अरे उस धोखेबाज को मारने के लिए बोल रहे हैं। आप गलत इंसान के सामने बात कर रहे हो सर। आपने क्या सोचा कि आपने जो कहा वो करने के लिए मैं कोई गैंगस्टर हूँ क्या? और हाथ मिलाने के लिए मैं कोई राजनेता भी नहीं हूँ। एकदम सही बात है। गाड़ी निकाल रहे। चल, 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 चल गाड़ी निकाल। मणि उस दिन तेरे साथ मार्केट में जो लड़ाई हुई थी ना, तुम एक बहादुर इंसान हो ये मैं समझ गया हूँ, लेकिन आज जो तुमने कहा इस बात से मुझे पता चल गया कि तुम एक अच्छे इंसान भी हो। आज से हम दोनों दोस्त बन के रहेंगे भाई। बाप रे।
गांव में कितनी लड़कियों की शादी होती है लेकिन मेरी बेटी की नहीं हो रही है। क्या पापा सुबह सुबह पीकर आए हो? पीकर ही मैं फैसला कर पाता हूँ सुबह हो या शाम हो। ये बंजर मछली है सर और पूछ को काट देना, मसाला डालकर फ्राई कर दे, भांजा आएगा उसे खिलाना है। आप यहाँ पर कब आए? जब तुम मछली के साथ खेल रही थी ना मैं तभी आ गया। मैं खेल नहीं रही थी, मैं इसे साफ कर रही थी। आय हाय हाय नाचना वे आंगन टेढ़ा। यार तुम एक लड़की होकर एक मछली को साफ नहीं कर पा रही हो तो पता नहीं अब तुम ससुराल में क्या कर पाओगी। क्यों रे, उसका ससुराल और मायके दोनों यही है ये घर। हाँ। लेकिन किसके साथ? मार दूंगी। क्या मजाक कर रहा है, तुझे तो पता है ना कि आजकल लोग कितने धोखेबाज होते हैं। ढंग का आदमी देखो ना, कैसे काटते हैं, सिखा जरा उसे। ये लो पानी लेके पहले जाऊं यहां से। थोड़ी मदद तो कर बस। लाना चाकू मुझे दे, मैं दिखाता हूँ कैसे काटते हैं इसे। ऐसे काटते हैं, ये ले। अरे क्या हुआ, दिखाओ। दर्द हो रहा है मुझे। आ भाई जरा उधर देखे, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? हाँ मेरा ही दामाद, रहने दे। भाई ये आपका भांजा कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है इसके साथ? उसके छेड़ने की उम्र है, छेड़ने दे। मुझे शर्म आ रही है भाई। अरे वहाँ जाकर देखो ना, यहाँ पुतले की तरह क्यों खड़े हो अपना चेहरा छुपा कर? हाँ लेकिन खून तो रुक ही नहीं रहा। खून? मेरी बेटी बहुत मासूम बेटी है, अब ज्यादा डॉक्टर मत बन, छोड़ दे। हटाओ ना आप। मेरा मन हाथ हटाऊं या ना हटाऊं? क्या बात कर रहे हैं ये, अरे हाथ हटाओ नहीं तो गिर जाओगे मुंह के बल। मछली को काटते समय मेरी उंगली में चाकू लग गया पापा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या मतलब? मुझे लगा तुमने मेरी बेटी के होंठ वगैरह काट दिए हैं। शराब पीने के बाद पता नहीं कौन सी दुनिया में जीने लगते हो आप। पता नहीं कैसे मामा है और कैसी इनकी बेटी है। मछली काट रही थी क्या तू? चल निकल, इतना टाइम लगेगा तो खाने को कब मिलेगी? क्वार्टर से ही पेट भरना होगा। कैसे आएंगे, हम लोगों ने तो पंचायत में पैसा भरकर इस तालाब को किराए पर लिया है। किराए पे तो आपने जरूर लिया इस तालाब को, लेकिन उसमें रहने वाली मछली को वो किराए पर लेकर चला गया। क्या कह रहे हो तुम? अरे भाई वो मछली की बात कर रहा है, उसने पूरे गांव को किराए पर लिया है इसीलिए वो लोग वहाँ पर मछली पकड़ेंगे। हमें उसे खत्म करना चाहिए, बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। तुझे नौकरी पे क्यों रख रखा है? अगर उनके सर में दर्द हो रहा है तो दवाई देना चाहिए ना। बोलेंगे तब दवाई दूंगा ना। दवाई लेकर साथ में चलना चाहिए। देख वो सिर्फ सेंट्रल मार्केट तक ही होना चाहिए, अगर उसने इधर सर घुसाया ना तो उसका सर काट डालूंगा। वेरी गुड, कीप इट अप। ए मुत्तु, अरे जल्दी माला पहनो ना यार। मामा वो सब कुछ रहने दो, पहले पांडू होटल में जाकर माल उतार दो। माँ जी पूजा की टोकरी देना। हाँ मामा जी, मैं अभी मंदिर में आया हूँ। इसे दे दो। सॉरी। अरे ये तो अपने एमएलए की माल है। जब से ये मोबाइल आया है ना पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। मुझे एक डाउट है भाई। बोल क्या है? ये हमेशा करके हंसता रहता है लेकिन आज ये फ्यूज बल्ब की तरह बैठा क्यों है? नर्स ने इसका फ्यूज उड़ा दिया है। क्या बोल रहे हो भाई, इसने ऐसा क्या किया? पेट में दर्द हुआ तो हॉस्पिटल गया था ना। हाँ। नर्स ने कहा मैं आ रही हूँ तुम बैठो। हाँ। क्यों ठीक? हाँ। कहा ना। तो फिर नर्स आई थी क्या? नर्स तो आई थी। हाँ। तो उसने इससे क्या पूछा, जरा पूछ इससे। नर्स ने क्या पूछा भाई? एक दो तुम मुझसे पूछ रहा, उससे पूछना। नर्स ने क्या पूछा? मैंने कहा था बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो उसने कहा बेड पर लेट जाओ। फिर क्या हुआ भाई? इसके कान के नीचे बजा कर भगा दिया इसको। मुंह बंद कर अपने। अरे चल डाल इसमें। कौन हो तुम लोग, ये सब शादी वाले घर में रखना चाहिए, यहाँ क्यों रख रहे हो? साहब ने यहाँ रखने को बोला। हाँ ये आप कहती है तो ले जाता हूँ। अरे साहब भी आ गए। नमस्ते नमस्ते। आए, आए, मैं नहीं रखने के लिए बोला था। नमस्ते। कैसे हैं आप? ए मड़ी जरा इधर आना, देखो कौन आया है।
कौन है मामा जी? नमस्ते बेटा। अरे आप और अचानक यहाँ पर आइए ना। विश्वास को भूलना विश्वास नहीं, जो दिन बुरा हो उसे भूल जाना अच्छी बात है। सुनो बहन, बहुत पढ़ाई की है इन्होंने, बहुत अच्छी कहावतें आती हैं इन्हें। मेरा नाम शेरवा है और मार्केट में सब लोग इसी नाम से बुलाते हैं। आइए ना सर। आइए। अरे अंदर नहीं, यही बैठते हैं ना। अरे बैठो बैठो यार, अरे यही बैठते हैं। अरे बैठिए ना। ठीक है बैठ जाइए। अरे बैठिए। अरे बहन, मालिक के लिए चाय लेकर के आओ। अभी लाती हूँ भैया। मणि, एक जरूरी बात कहनी है। हाँ बोलिए। इस साल बिल्लर पिड्डी मछली का त्योहार होगा ऐसा लग रहा है। क्यों? वो गांव में जो तालाब है ना, उसकी नीलामी शराब व्यापारी एमएलए करवाने वाला है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि गांव के किसी भी इंसान को तालाब की मछली नहीं छूने देगा। क्या मछली को छूने नहीं देगा? ये क्या उसके बाप का तालाब है? कौन इसे नीलामी मिलेगा? इन दोनों ने पैसा देकर गांव के तालाब को खरीद लिया है क्या? अगर मैंने तलवार उठा ली तो उनके हाथ पैर अलग कर दूंगा मालिक। मामा, आप जरा शांत रहिए, ये मैं देख लूंगा। धन्यवाद जी। पीजिए। जानते हैं, अगर उस दिन आपका बेटा नहीं होता तो आप मुझे जिंदा नहीं देख पाते। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। नमस्ते। जी ठीक। अच्छे लोगों की जिंदगी में ऐसे कष्ट तो आते ही रहते हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ, तालाब को ये ऐसे क्यों देख रहा है? अगर ये इस तरह से देखेगा तो सारी तालाब की मछलियाँ मर जाएंगी। नमस्ते। इस तालाब को मैंने लीज पर लिया है। अगर कोई ये कहे कि मछली का त्योहार है और मछली पकड़ने आए तो उसे अंदर मत जाने देना। समझा कि नहीं? नहीं जाने दूंगा। हर साल बिल्लर पट्टी तालाब में अपने गांव की जनता के लिए मछली पकड़ना ही उनका रिवाज है। उस रिवाज को बदलकर अपने गांव के तालाब को लीज पर देने वाला और उठाने वाला कौन है भाई? हमें किसी अहरे गहरे को जवाब देने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अपना काम करो और निकल यहाँ से। अपना गांव छोड़कर मेरे गांव में आकर अकड़ दिखा रहा है। इधर जीने के लिए नकली स्वामी बनकर के आया? हम लोग उसी गांव के रहने वाले हैं, इसी मिट्टी के हैं, तो हम लोग पराए हो गए क्या? तू अपना मुंह बंद करके खड़ा रहे। ए भांजे, तू क्या सुन रहा है? अरे गांव का मामला आ गया तो चार लोग चार तरीके के सवाल पूछेंगे ही, जवाब तुमको ही देना पड़ेगा। फालतू बातें मत किया करो। हाँ क्या शेरवा, जगह बदलते ही जबान ज्यादा चलने लगी है? इस तालाब को मैंने लीज पर लिया है, कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता। अगर कोई गया तो उसके हाथ पैर तोड़ देना, बाकी मैं देख लूंगा। हम डरपोक है क्या जो तू ऐसी बातें कर रहा है? तू हाथ पैर क्या तोड़ेगा, हम तुझे बैंगन की तरह उखाड़ कर फेंक देंगे। हाँ, ये तुम लोगों को जो पैसे का घमंड चढ़ा हुआ है ना, उसके दम पर तुम लोगों ने पंचायत को खरीदा होगा, लेकिन जनता को तुम लोग कभी खरीद नहीं सकते। ये फेस्टिवल ना कभी बदलेगा और ना मैं इसे बदलने दूंगा। ए तू जिंदा रहेगा तब ना। बात करते समय तलवार उठाना सही बात नहीं। ज्यादा उछल मत। इन लोगों ने तलवार को सिर्फ काटने के लिए ही रखा है क्या? मैंने क्या उसे पीठ खुजाने के लिए रखा है? ए नकली स्वामी, चुपचाप खड़ा रहने तो ये तुझे काट देगा। हाथ में आई तलवार तेरे गले तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, समझा? इसलिए मुझे डराने की कभी कोशिश भी मत करना। हमेशा की तरह इस बार भी मछली फेस्टिवल होगा। अमीर और गरीब का कोई भेदभाव नहीं होगा और सारी जनता खुशी से मछली पकड़ेगी। कोई भी आकर इस फेस्टिवल को रोक नहीं सकता। जरूरत पड़ी ना तो कलेक्टर से मिलकर कानून के जरिए इस पर एक्शन लेना भी हमको आता है। चलो गाँव वालों। शाम को खेत पर शराब पीने आएगा ना, वहीं देख लूंगा तुझे। अच्छा चलता हूँ। नमस्ते। मालिक उसे जो कहना था कहकर चला गया। चलिए हम सब मिलकर तालाब में मछली पकड़ते हैं। मेरी पावर को जाने बिना बहुत कुछ बोल गया ये। मैं कौन हूँ इसे दिखा दूंगा। चलिए मालिक, दिखा देंगे इसे। काला सुपहिया नहीं बोला होता ना तो मैं सफेद सुपहिया। हाँ हाँ सफेद सुपहिया, मैं तो भूल ही गया। अगर काले सुपहिया ने आपके बारे में नहीं बताया होता तो मैं तो भूल ही गया था। ये डॉक्टर तो बहुत हैंडसम लग रहा है, तुझे पसंद है ना? तू चुप रहना। ज्योति, पहले हमारे संबंधी को दो, यहाँ ले आओ। दो उसे दे दो। लड़की तो हम लोगों को नहीं चाहिए, पहले इनको दो। बेटा तुम्हें लड़की पसंद है ना? अगर तुम्हें बात करनी है तो कर सकते हो। नहीं माँ, आपको पसंद है ना? मुझे तो पसंद है। सुनिए जी, आपको पसंद है ना? उसको पसंद है तो हमें क्या, हमारी तरफ से ओके है। ठीक है भाई। पहली बात ये कि आपकी लड़की उन्हें बहुत पसंद आ गई है। अब दूसरी बात सिर्फ आपके पास है। वो आप दरअसल कोई मैं बात नहीं। कुछ बोलू क्या? बोलो ना, कोई बात नहीं। मेरी बात को गलत मत समझिएगा, मेरी बेटी को देने के लिए
मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरी बहन की बेटी का हार्ट का ऑपरेशन है, इस घर को गिरवी रखकर भी ऑपरेशन के लिए पैसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आप किसी भी चीज के बारे में चिंता मत कीजिए, भगवान की कृपा से हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। इसीलिए हमने सोचा है कि इन दोनों की शादी सीधे साधे तरीके से मंदिर में ही करवाएंगे। हम लोगों की तरफ से कोई भी डिमांड नहीं है। और क्या, ऐसे संबंधी मिले हैं, जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा। मेरा कोई पुण्य नहीं है, मेरी बेटी ने पुण्य किया है। सही कहा। भगवान से कहता हूँ मेरा हाथ मत छोड़ना। मैं कसम खाकर कहता हूँ, आप सभी लोगों का दिल बहुत ही अच्छा है। इन्होंने सही कहा था, आप लोग जैसे संबंधी मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अरे तो सोचना क्या, अपनी अपनी थालियाँ उठाइए। ये लो, ये लो, थाली देना जरा, लाओ लाओ, ये लीजिए। हे भांजे, ये तो अपने जैसा ही है, तो ज्यादा ही पी लिया इस आदमी ने। ये लोग रोड पर ऐसा ही करते हैं क्या? हमेशा रोड पर ही ऐसा करते हैं। तुम इधर ही रुको, मैं जरा इसे निपट के आता हूँ। अरे हमारी गाड़ी के सामने ही क्यों नाच रहा है? अच्छा रुक, अभी आता हूँ। तुझे पता है ये कितने बड़े कवि हैं? और दारू पी के तू उसका गाना गा रहा है, शर्म नहीं आता? अरे तो जिसने गाना लिखा है मुझसे जबान लड़ा रहा है। अरे तू नहीं मारूंगा, अरे मार सकता है। बस हो गया, चलते हैं। अरे अभी आता हूँ भांजे, ये जा रे, वरना मुंह नहीं बचेगा तेरा। अरे सुनो, आपकी शादी हो गई क्या? क्या है? लगता है मैं कुंवारा ही मरूंगा। मालिक ज्यादा शराब मत पीजिए। जो रे, कम पियोगे तो बहुत साल जियोगे, बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है। इसी तरह मेरे दादाजी दो पैक पीकर बाथरूम में हाथ धोने के लिए गए थे, नशे में वो फिसल कर गिर गए, उसके बाद वो कभी नहीं उठे। इसलिए ज्यादा पियेंगे तो आप भी जल्दी उठ जाएंगे। बकवास बंद कर। वेलम पट्टी तालाब को हमने 2 लाख देकर लीज पे लिया था, उसने हमें मछली पकड़ने से रोका और जनता को मछली पकड़ने के लिए छोड़ दिया। आपने उसे लिखवा कर तो लिया था ना? यही सोच के तो दिमाग खराब हो रहा है। इनका दिमाग खराब है, नोट कर लो। और आप तो फुल शराब पी के मजे ले रहे हैं। ए, मुझे यहाँ क्या मजा आ रहा है? मैं तेरी तरह शराब का व्यापारी नहीं हूँ, मैं हूँ जनता का प्रतिनिधि। MLA को जो भी करना चाहिए सोच समझ कर करना चाहिए। सुन, मेरे गाँव में 5 एकड़ जमीन है और 1 पंप सेट भी है, वो तेरे नाम कर देता हूँ। तू हाँ तो बोल, बस काम हो जाएगा। मेरी रखेल बनेगी क्या? उस दिन तूने लड़की को टक्कर मार के उसकी फोटो खींची थी, और अभी यहाँ पर भी आके लफड़ा दिखा रहे? तूने मेरे पास उठाया, चल हट। मेरा जो पद है ना, जरा भी झुका तो सब खत्म। अगर एक भी गलत फैसला लिया तो पद ही खत्म हो जाएगा। इलेक्शन भी करीब आ रहा है, अगर नाम खराब कर दिया तो पद चला जाएगा। पापा, ए, क्या हुआ तुझे? उस टंडल मनी ने मेरा पैर तोड़ दिया। तेरा और उसका लफड़ा हुआ क्या? मैं अपने दोस्तों के साथ मार्केट में था, हम लोग एक लड़की को छेड़ रहे थे, उसी समय उसने आकर मेरा पैर तोड़ दिया। अब तक तो वो अपने साथ ही खेल रहा था, और अब आपके बेटे को भी नहीं छोड़ा। मैं जो बोल रहा हूँ गुस्सा मत होना, अगर सांप के बिल में हाथ डालोगे तो डसेगा ही ना। कौन रे ये सांप? मेरा मतलब वो सांप है और आप बिल में हाथ डालने वाले। मुझे डस लेंगे लगता है। कॉलेज का टाइम हो रहा है और प्रोफेसर हमेशा डांटते रहते हैं। देख कितनी कलरफुल लड़कियाँ खड़ी हैं। है? क्या हुआ, बस का वेट कर रहे हो क्या? वो दरअसल वहाँ लड़ाई में कंडक्टर घायल हो गया है, तो आज बस तो नहीं आ पाएगी। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो मेरी गाड़ी में बैठ सकते हो, मैं छोड़ दूंगा। एक एक करके चलो चलो, सुनिए आप बैठ जाइए ना। अब वादियों में घूम रहा हूँ। रुक जाना, अच्छे से लगाने तो दे। हाँ हाँ, बस बहुत हो गया। अच्छा ठीक है, अच्छे से सुखा लेना। लगता है मैं कुछ गैस पर रख कर आई हूँ, भूल गई, जलने की महक आ रही है।
अरे मेरे शराबी मामा, चलो चलते हैं। अरे भांजे तुम अंदर जाओ, मुझे थोड़ा काम है। से झूठ बोल रहे हो, क्या काम है आपका मुझे पता नहीं है क्या? ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। सुनो सुनो सुनो, क्या हुआ? सुनो देखो ना, मेरा पल्लू नीचे गिर गया है, जरा मेरा पल्लू सही कर दो। तुम ही उठा कर डाल लो ना। देखो ना हाथों में मेहंदी लगी है, मैं कैसे डालूं? ये तो खिलाड़ी निकला, इतनी नजर रखने के बाद भी इसने पायल चुरा ली। इसने पायल चुराने की हिम्मत कैसे की? मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। ए भांजे, तो उधर क्या कर रहा है? इसका पल्लू नीचे गिर गया था, वही सही कर रहा था। क्या मामा जी अभी क्या हुआ? क्या हुआ मामा? ये क्या? ये तो पायल है। ये पायल है तो मुझे नहीं पता क्या? मैं ऐसे कंगन बोल रहा हूँ, तुम्हारी गाड़ी में कैसे आई? मुझे क्या पता मामा? मुझे पता है। तुमने उस लड़की को लिफ्ट दी थी ना, उसी ने तो गिफ्ट दिया। अरे मामा वो अपने आप गिर गई होगी। अरे पायल ही गिरी। चुप रहो आप। मामा भांजा क्या आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं? इनके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है माँ, जब भी देखो मुझको ही शक करते रहते हैं। मुझे एक बात पता चली है। क्या? कि कल शराब मिलेगी या नहीं? ये अगर शराब नहीं मिलेगी तो मैं बना कर पी लूंगा। तुम मेरी बेटी और अपने बेटे की शादी करवाएगी कि नहीं ये बता से। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी घर का पानी बाहर थोड़ी जाने वाला है। घर का पानी बाहर नहीं जाएगा, ये सब रानी का होते हैं, मुझे भी पता है। कल मैं जाकर एक ज्योतिष को लेकर के आता हूँ। ये ज्योतिष वोतिष का चक्कर तो रहने ही दो, पहले अंदर जाकर खाना खा लो और आराम कर लो। चलो मैं दे देती हूँ। अरे मामा वो पायल देना। मामा अरे ये सो भी गए क्या? ज्योति कौन है? आप हैं? ये आपकी पायल? हाँ ये तो मेरी है। उस दिन मैं आपकी गाड़ी में बैठकर कॉलेज जा रही थी तो नीचे गिर गई होगी। थैंक्स। मामा के लिए क्वार्टर ले गया। पायल नहीं है? मैं कितनी भी शराब पी कर रहा हूँ हमेशा होश में रहता हूँ, फिर ये कैसे हो गया? ये भांजा भी ना और पायल भी नहीं है, ये पायल लेकर कहीं मजा मार रहा है क्या? किससे बात कर रही हो बेटी? एमएलए के लड़के से जिसने मुझे बचाया था ना, ये वही है। इन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी तो बाहर खड़ी खड़ी बात क्यों कर रही हो? बेटा अंदर आओ। अरे कोई बात नहीं। अरे शर्मा क्यों रहे हो बेटा, अंदर आओ ना। मैं कौन हूँ, क्या काम करता हूँ, अगर ये पता चलेगा तो ये आपको... सब छोड़ो, ये मायने नहीं रखता है। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। बेटी अंदर से चाय लेकर आना। बैठो बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? मणिकंदन। आहा मणिकांत, ये तो भगवान का नाम है बेटा, फिर अंदर आने में इतना शर्मा क्यों रहे थे? अरे मेरा नाम मणिकंदन है लेकिन मुझे सब लोग टंडल मनी कहकर बुलाते हैं। ब्याज पर पैसा देना और चिकन्स की सप्लाई करना ही मेरा बिजनेस है। चिकन की सप्लाई करना कौन सा बुरा काम है? अरे काली माता की पूजा के लिए बलि तो चढ़ाते ही है ना हम लोग, वो भी तो मांस ही है ना। तो क्या हम जानवर की बलि देते हैं तो अछूत थोड़े हो जाते हैं? चाय पियो। कोई भी काम करना बुरा नहीं होता है बेटा। इसने चाय अच्छी बनाई है ना। ठीक है तो मैं चलता हूँ। बेटा मेरी बेटी की इज्जत तुमने बचाई है, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारा एहसान मानूंगा। आप ये क्या बात कर रहे हैं? अच्छा माँ, मामा जी कहाँ चले गए? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब पीकर कहीं पर लेट गए होंगे? ये ले, सुबह सुबह निकल गए होंगे मार्केट या कहीं और। देख रहे लड़का लड़की की कुंडली सही है, यही बोलना, अगर उधर कुछ गड़बड़ हुई ना तो तुझे काट दूंगा। मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि लड़के की कुंभ राशि है, लड़की की वृषभ, कुंडली मिली नहीं रही है, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? ये सब कहानी मुझे मत बता। अंग्रेज लोग भी कुंडली दिखाकर ही शादी करते हैं क्या? वो लोग भी अच्छे से जीते ना, मुझे रिश्ता चाहिए, चुपचाप बता। क्या भाई तुम भी। बुआ जी आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं और वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वही प्यार
आपको मुझसे भी करना चाहिए, आप ये क्यों भूल जाती हैं? ये क्या बोल रही है, तुम दोनों मेरे लिए एक ही जैसे हो। बहन सुनो, मैंने ज्योतिष को सब बता दिया। अरे इतनी जल्दी क्या, ज्योतिष को लेकर आने की क्या जरूरत? अरे कुंडली मिलवाने के लिए लाया। किसकी कुंडली मिलवानी है? तुम भी ऐसे बोलो, तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी को कुंडली मिलवाने के लिए बुला करके लाए मैंने। क्या मामा, आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है? लेकिन मुझे तो जल्दी है। सुना ना, तुम्हें जल्दी नहीं है लेकिन मेरी बेटी को और मुझे बहुत जल्दी है। तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, मेरे दिल की ख्वाहिश है, हम लोगों की यही इच्छा। क्या कहती हो भैया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुन, तुम दोनों की कुंडली अंदर रखी हुई है, जाकर लेकर आओ। हाँ जाओ जाओ जाओ, तुम दोनों के सारे गुण मिल रहे हैं, ज्योतिष भी कह रहे हैं। अगर यहाँ नहीं बोलेगा तो बाहर जाकर तलवार से काट दूंगा। लड़के की कुंडली में शनि और केतु दोनों एक साथ हैं और लड़की की कुंडली भी सही लग रही है, लेकिन बात यह है कि दोनों की कुंडली बहुत अच्छे से मिल रही है। ऐसा जवाब दिया, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। तो फिर शुभ मुहूर्त का दिन बताइए। आने वाले अगले महीने की 10 तारीख को शादी करवा सकते हैं। 9 तारीख को रात में प्रोग्राम होगा, तलवार को धार भी लगानी है, बकरा बकरी सब काटना होगा, तुम तो चिल्लर बदलना है, कितने सारे काम बाकी। चलो चलो, जल्दबाजी कर रहे हैं। ज्योति जी लो, इसे खुशी से रख लो। तुमने मुझसे झूठ बुलवाकर बहुत गलत काम करवाया है। श्याम उदय बिल्डर पट्टी तालाब के पास जो झोपड़ पट्टी है, तो वहाँ जाकर विधवा औरतों को देखकर मजे लेता है, वो क्या वो गलत काम नहीं? अरे वो अलग है, ये अलग है। ये सब कहानी मुझे मत बता, ये सब मुझे पता है। ले ये रख ले, रख ले, रख ले। चाहिए कि नहीं का पैसा मुझे चाहिए नहीं, रख लो। ए, संभाल के चल। पहले मणि के घर पर पत्रिका देनी है, ठीक है ना? हाँ। अरे वाह, बहुत खूबसूरत दिख रहा है, कितना अच्छा है ना, और कितना बड़ा ना पत्रिका दे देते हैं। अरे तुम आई हो बेटी, हाथ में कार्ड, चेहरे पर खुशी है, घर में कुछ प्रोग्राम है क्या? हाँ जी, हम लोगों को खाना मिलेगा ना? जरूर, आप सबके लिए खाना है, लेकिन आप लोग जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं मिलेगा। उसे तो हम लोग रोज खाते रहते हैं बेटा, हम लोगों को सिर्फ तुम्हारी शादी का ही खाना खाना है। माँ ने मुझे यहाँ पर भेजा है पत्रिका देने के लिए। मेरे भांजे और मेरी बेटी की शादी है, पहला कार्ड भगवान के मंदिर में रखने के लिए गए हैं। वो देखो आ गए। आओ भांजे, देखो कौन आया है। नमस्ते माँ, मैंने बताया था ना, ये वही लड़की है। तुम ही वो लड़की हो क्या? तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए तुम्हें। ठीक है ठीक है, चलो चलो अंदर आओ, आओ। हाँ, अंदर जाओ, चला जाओ, तुम भी आ जाओ। ये लीजिए माँ जी, मेरी शादी की पत्रिका। बहुत खुशी हुई। वैसे शादी कब है? अगले हफ्ते है माँ जी। हम लोग जरूर आएंगे, मेरे बेटे की सगाई है, तुम भी इसकी शादी में जरूर आना, पत्रिका लेकर आना बेटा। तुम भी ना माँ, घर पर आए हुए मेहमान को पत्रिका देने के लिए बोल रही हो? अरे मैं उनके घर जाकर दे दूंगा, वही सही रहेगा माँ। ए भांजे, तेरी माँ एक तीर से दो निशाने लगा रही है। चुप रहो ना भैया। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे दीजिए या पापा को एक ही बात है। ए भांजे, घर पर जा करके शादी की कार्ड देने की क्या जरूरत है, जब वो यहीं पर आई है तो उसे कार्ड यहीं पर दे दो। जाओ, आप में ना मस्ती बहुत है। अमरावती जरा वो पत्रिका लेकर आना। तो आज शुक्रवार है, बहुत अच्छे दिन आई हो, ठीक है? इधर लाओ, ये लीजिए। ये हाँ, मेरी बेटी अमरावती। दीदी अपने हाथों से दे दो। ठीक है ये लो। हाँ। माने के घर पर तुम ही लोगों ने खाना बनाया था ना, अगर अच्छे से काटना, पिछली शादी में बहुत बड़ा बड़ा था। ठीक है, कौन है आप लोग? हम लोग ढोल वाले हैं। वो मुझे पता है, मैं क्या पोस्टमैन बोल रहा हूँ। मैंने आंटी पटियाला को आने के लिए कहा था, वो दूसरे गांव की शादी में ढोल बजाने के लिए गया है। अच्छा ऐसा। हाँ। आप लोग इधर सो जाइए, एकदम मस्त ठंडी हवा आएगी, सुबह टाइम पर उठकर ढोल बजाना शुरू कर देना। हाँ ठीक है। सुबह शादी है, यहाँ मत बैठ, जाकर सो। छोटा किंग कहाँ पर है? देखो बदमाशी, पीछे जाकर देखना बेटा। इस घर में तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, किसी को कुछ पता ही नहीं। दीदी पते कहाँ पर हैं? अंदर ही है। ए कॉफी पाउडर दूध सब कुछ है, जरा जाकर देख लो। भैया जल्दी जाकर सो जाइए ना। अरे जाकर सो जाओ ना। ठीक है दीदी। क्या हुआ बहन? ढोल वाले लोग कहाँ चले गए? वो बस शराब पीकर आने के बाद ही बजाना शुरू करेंगे, मैं जाकर देखता हूँ, तुम जाओ। जाओ। ए उठ जा, उठ जा। भैया भैया उठ जाओ, उन ढोल वालों को भी उठा दो जाकर।
ढोल वालों को उठाने से पहले इन काम वालों को उठाना पड़ेगा। मेरे से कम ही लोगों ने शराब पी थी लेकिन अभी तक सोए पड़े हैं। ए उठो उठो। अरे अरे क्या कर रहे हो ये भाई? मार दिया। ए जाकर अमरावती को उठा दो। हाँ, ठीक है बहन। अरे उठ जाओ भाई तुम लोग। ये क्या है, सिर्फ ढोल यहाँ पड़ा, बजाने वाले कहाँ चले गए? अरे सुनो बहन, वो ढोल बजाने वाले नहीं है, चाय पीने के लिए कहीं गए तो नहीं है? हाँ? दीदी दीदी हाँ? वो रूम में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ? मैं अभी जाकर भांजो को बताता हूँ। हाँ भैया देखो तो। मामा क्या हुआ, सब लोग ऐसे घबराए क्यों? ढोल बजाने वाले कहाँ है, कहीं जा रहे हैं? चलो चलो। क्या हुआ माँ? अमरावती कमरे में नहीं है, पूरे कमरे में सब कुछ फैला हुआ है। यही कहीं होगी, जाकर देख लो ना। अच्छे से ढोल बजाने वाले भी नहीं है भांजे, और अमरावती भी लापता है, क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आइए मालिक। क्या हुआ, सब लोग घबराए हुए दिख रहे हो? अरे दुल्हनी गायब हो गई है। क्या कह रहे हो, दुल्हनी यहाँ से गायब है? चल चल गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, चल गाड़ी निकाल। कौन है तुम लोग? चल चल चल। रुक रुक, अमरावती क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे माफ कर देना, इन लोगों ने मुझे किडनैप करके मेरी शादी इससे करा दी। अगर मैं इसे मंगलसूत्र नहीं पहनाता तो वो लोग मुझे जान से मार देते भाई, उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी। ये लो भाई, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब क्या हो रहा है बेटा? इधर ही है वो, देखिए। मणि क्या बात है यार, क्या कर रहा है तू? सभी लोगों की फोटो निकल रहा, जो कुछ भी हो रहा है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बात बहुत हिल रहा है तेरा। मणि मणि रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम्हारे परिवार को कौन अगर देखेगा? अगर तुम इसे मार डालोगे तो जो हुआ है वो सही हो जाएगा। अरे बेटा सुनो, मणि रुक जाओ। मणि ए तू तलवार लेके आएगा तो काट डालेगा क्या? ऐसी बहुत सी तलवारें देखी है मैंने, एक तो एमएलए जी के बेटे का पैर तोड़ दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, मेल्लरपट्टी तालाब में जनता को मछली पकड़ने के लिए बोल दिया, उसी का बदला लिया है मैंने। इस लगने से वो शादी करके पूरी जिंदगी तकलीफ उठाएगी वो, ये देख के तू तड़पेगा और मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। ए, चलो तुम लोग। अगर ये सब आप देखते ना मालिक तो बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखिए देखिए। हाँ हाँ देखिए। अरे मालिक जो पानी में है उन्हें भी दिखाइए। आप उधर नहीं थे ना, देखते मैंने क्या काम किया है। बहुत खुश हूँ। ये ले भाई, आप तो जानते हो ना अपने को आदत नहीं है, फिर क्यों फालतू में पिला रहे हो? पता है जो काम मुझे करना चाहिए था वो काम तूने कर दिया, इसलिए गिफ्ट ले ले। एंजॉय। वो जिस लड़की से शादी करने वाला था उसकी दूसरे से शादी करवा कर तूने उसके चेहरे पर कालिक पोत दी है, ये मेरे लिए बहुत हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी और बाकी है। अरे रे रे, वो तड़प रहा है, उसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ यार, ये सब कैसे हो गया? मारो उसे, मार डालो उसे। तुम लोगों की दुश्मनी मेरे साथ थी तो उस मासूम लड़की की जिंदगी तुम लोगों ने तबाह क्यों की?
मेरे घर पर आकर मुझ पर ही हाथ उठाया। तुझे देख लूंगा मैं। दो दिन के लिए ओटी जा रहा हूँ, साथ में चलोगी? अरे साहब, अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं? ये पुलिस स्टेशन यूनिफॉर्म पहन के क्या कर रहा है? बात क्या है, बताएंगे? क्या हुआ ये पूछ रहा है साहब। अगर एमएलए के घर से फोन आएगा तो तुम लोग उठाओगे नहीं क्या? ऐसा नहीं साहब, मैं रूलिंग पार्टी का एमएलए हूँ, वो कमीना मेरे घर आकर सबको मार कर चला गया। तू सरकार से किस बात के पैसे लेता है? सिर्फ पगार ही नहीं, ये लोग साइड में भी लेते हैं। ये आप ही को बोल रहा है जिसने आपके ऊपर हाथ उठाया? आप मुझे नाम बताइए, मैं एक्शन लूंगा। बहुत उखाड़ लिया तूने। उखाड़ने वाला तो आया और उखाड़ पुखाड़ के चला गया। ये भी उखाड़ लेंगे। ए, जो हुआ वो बता। बताता हूँ। वो क्या है ना साहब, टंडन मणि जिस लड़की से शादी करने वाला था, उस लड़की की किसी लड़के से जबरदस्ती शादी करवा दी। इसीलिए तो मणि को इतना गुस्सा आया और वो यहाँ आके हम सबको धोकर चला गया। हमारी इज्जत चली गई यार। चुप रह, तू अभी उस मणि को सड़क पर मारते हुए पुलिस स्टेशन लेकर आओ और उसके हाथ पैर तोड़ देना, समझे कि नहीं? मैं आपको गुस्सा समझता हूँ, अरेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते साहब? अगर मैंने उसे अरेस्ट किया तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। ये क्या कह रहे हो, जो समझ में आए वो बोलो। सेक्शन 352 के अनुसार उस पर मारपीट का केस कर सकते हैं, फिर वो केस कोर्ट में जाएगा। वकील पूछेगा कि बात क्या है, लड़की को किडनैप करा के उसकी शादी करवाई अगर उसने बोल दिया तो आपकी कहानी खत्म, कानून का फैसला यही होगा। ए, जानता है ना मैं कौन हूँ, अब तू मुझे कानून सिखाएगा? मैं जानता हूँ कि आप कौन है, लेकिन कानून सबके लिए एक है। अगर उसके ऊपर मारपीट का केस किया भी तो वो एक या दो महीने में ही बाहर आ जाएगा। अगर कोर्ट गया तो लड़की को किडनैप किया है, शादी करवाई है, क्रिमिनल ऑफेंस के तहत आपको जेल हो सकती है। आपको क्या चाहिए? सिर्फ इतना ही नहीं, आप इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे और पद भी चला जाएगा। ए वकील, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। छोटा मोटा कंफ्यूजन नहीं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। पहले तुम दोनों को मार देना चाहिए। चलो चल चल, भाग भाग, चलो चलो चलो। देखो ए आदर, देखो फेंक, देखो क्या है, फेंको, फेंक निकाल, फेंको, सब फेंको, मुझे फेंकने दो, नहीं छोड़ना, चलो सब फेंक दो, उठाओ सब, पलट दे, देखो कुछ बचना नहीं चाहिए, सब जला दो। ये ले कलेक्टर साहब, ये लोग शराब को फूल के नीचे रखकर स्मगलिंग करते हैं, देखिए। साहब, इस शराब को पीकर गांव के बहुत सारे लोग मर गए, इन्होंने आकर हम सबको बचाया, नहीं तो पता नहीं कितने लोग मर जाते। इस एरिया के पुलिस वालों को जो काम करना चाहिए वो आपने किया है, गुड, कीप इट अप। थैंक यू सर। मदुरई के लोगों को जहरीली शराब पीने से बचाने वाले मणि को कलेक्टर ने बधाई दी। टंडल मणि, टंडल मणि, क्या है, इसे जितना काटो उतना ही बढ़ता जा रहा है। काटना नहीं चाहिए, उखाड़ डालना चाहिए, वरना वो हमें उखाड़ देगा। वो राजशेखर हम लोगों से पैसे खाता है और कंप्लेंट भी नहीं लिखता है। वो कैसे लिखेगा भला, अपना केस कितना वीक है। तुम्हारे कहने से वीक नहीं है, ये पहले से ही वीक है। मेरा मतलब आपकी तबीयत। कौन वीक है कौन नहीं, अब दिखाता हूँ। ए वकील, तुम्हारे कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी को टंडन मनी उठा कर ले गया, ऐसा पुलिस में कंप्लेंट करो, बाकी हम संभाल लेंगे। मैंने क्या बोला साहब, अपने चक्कर में मेरी बेटी की जिंदगी खराब मत करिए। तू खुद करेगा या फिर मैं? केयरफुल। बस आपने तो कह दिया ना कि आप मेरा झूठा केस नहीं करेंगे, तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है वकील साहब? मनी, वो बात नहीं है, मेरी बेटी रोज कॉलेज जाती है और 3 बजे तक घर आ जाती है, लेकिन आज वो कॉलेज से घर नहीं आई। कॉलेज वालों ने कहा वो कब की चली गई। अच्छा, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी है क्या? एमएलए ने सबको खरीद लिया है मनी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वकील की लड़की बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। Cheers. क्या भाई, इसे कुछ किया भी नहीं फिर भी रो रही है, शायद मेरे आने से पहले आपने कुछ कर दिया होगा। ये कैसी आवाज? एक मिनट रुकिए, मैं देख के आता हूँ। कौन है रे, कौन है? ए,
अगर मर्द है तो सामने आना। ए, कौन है? ए, 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 छोड़ छोड़ मुझे। भैया मुझे बचा लीजिए भैया, आराम से। हे, क्या हुआ तुम्हें? यहीं पर रुको। ठीक से गिन लिया ना? बस ठीक है। ठीक है, अब फल बेचना बंद करो और पैसे दो। साहब, जो पैसे थे उससे हमने सामान खरीद लिया, अगले हफ्ते सारा चुका देंगे। ब्याज देकर इसे लेकर जाना। इसे छोड़ दीजिए, ये एक औरत है साहब। हैं? फिर हम सब लोग कौन हैं? क्या हम सब के दांत टूट चुके हैं? हाथ में लाठी लेके चलते हैं क्या? देखो, अगर ज्यादा समय लगाओगी तो ब्याज बढ़ता रहेगा और ये माँ बनी तो जिम्मेदार तुम होगी। मेरा भांजा वीर है। आप यही चाहते हैं तो ले जाइए इसे। इसके पहले से ही 3 पति हैं साहब। पहले पति को इसने एक छोटी सी लड़ाई में सर पे पत्थर से मार मार कर इसने जान से ही मार डाला साहब। और दूसरे पति को जब वो सो रहा था तो नींद में ही उसका तकिए से मुंह दबाकर उसे भी मार डाला। और तीसरे पति को एक ही लात में घायल कर दिया। आजकल वो अपने आखिरी दिन गिन रहा है। अब इसे एक नया साथी चाहिए। लेकर जाइए आप मेरे घर की राजकुमारी को। ए सुनो, अगर मैं इस जगह पे तुमसे फिर पैसे मांगने के लिए आया तो तुम मुझे झाड़ू लेकर सर पे मारना और जोर से मारना। चलो मामा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बेटा। आइए आइए। चले आज के बाद से वो यहाँ से ऐसे भागेगा कि लौट के नहीं आएगा। डेकोरेशन अच्छा है। नमस्ते भाई। ए, चलो। ए, इधर आ, दे दो। आज हम आशीर्वाद देंगे। आइए आइए। नमस्ते वगैरह छोड़ और ये सब बंद कर। ये बता, दूसरों के साथ घूमने वाली लड़की की शादी किसी और से करा रहा है? क्योंकि तेरी बेटी का चरित्र ही ऐसा है। ये देख, अच्छी तरह से देख। देखो देखो, सब लोग देख लो यहाँ पे। देखो देखो, इसकी बेटी वो जो खड़े हैं ना, उसके साथ चिपक कर खड़े होने वाला पोज देती है। बस करो, मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें मत करो। जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हो। अच्छा, हम दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हारा बेटा ही इन सब की असली वजह है। चुप हो जाओ तुम। क्या जी, अपनी बेटी का चरित्र नहीं देखा? मेरा ही बेटा मिला था क्या इसके लिए? हमें ऐसे संबंधी नहीं चाहिए। हमारी तो इज्जत ही चली गई। बेटा चलो यहाँ से। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? वो लड़की मेरे ऊपर आकर गिर गई थी, उसे गलत फोटो निकालने वाला वो एमएलए का लड़का ही है। और इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। मेहरबानी करके मेरी बात सुनो। जिस लड़की की शादी हो रही है उसके साथ घूमने वाला तू ही है ना? इसे जो शंख बजाना था वो तो बजा लिया। इसके बाद लोगों को जो करना है वो तो करेंगे। अरे अरे, हाँ भाई चलते हैं। इतनी बड़ी बेइज्जती होने के बाद इसके साथ कौन शादी करेगा? अब मरने के सिवा कोई चारा नहीं है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। आपकी बेटी की शादी टूटने की वजह सिर्फ मैं ही हूं। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो आपकी बेटी के साथ मैं शादी कर सकता हूं। तुम करोगे? मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। हम दोनों की जाति अलग है, यह शादी होनी मुश्किल है, फिर भी तुम यह शादी करना चाहते हो। मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा।
बायां पैर अंदर रख कर जाना बेटा। बैठे रहो बेटा, बैठे रहो, आराम से बैठो। क्यों बेटी ज्योति, तुम ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? पापा से नाराज हो क्या? नहीं पापा। जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, मैंने बहुत सुना है, लेकिन आज ये बात साबित हो गई। जिसके साथ तैयारी की थी उसके साथ नहीं, बल्कि तुम दोनों की शादी होना तय था। कुछ दिन पहले तुम घर के अंदर आने में शर्मा रहे थे, और अभी मेरे दामाद बनकर बैठे हो। ये सब भगवान की लीला है जिसे कोई नहीं समझ पाता। इतना बोलने के बाद भी तुम लोग इस तरह शांति से बैठे रहोगे क्या? एक काम करो, तुम दोनों मंदिर जाकर आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के बाद तुम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी की शुरुआत करो, ठीक है ना? सुनिए, लगता है बारिश होने वाली है, यही साइड में खड़े हो जाते हैं। शेरवा, तुम
भी नहीं। मैंने तुम्हारी जान बचाई, ये तुम भूल गए क्या? मैं तेरा जिगरी दोस्त नहीं हूँ, तेरी जान लेने वाला यमराज हूँ मैं। नहीं, छोड़ दीजिए उन्हें। नहीं, ऐसा मत कीजिए। तुमने मुझे हजारों लोगों के सामने मारकर बेइज्जती की, मेरी जान तो उसी दिन चली गई थी, इसीलिए आज मैं तेरी जान ले रहा हूँ। तू मेरी वाट लगाएगा? मदुरई में तूने शराब का साम्राज्य मिटा डाला था ना, मार डालिए इसे। मैंने कहा था उस कमीने से दोस्ती मत कर, मेरी कुम देवी ने भी इसे नहीं बचाया, मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था इतनी जल्दी चला जाएगा, ऐसा लग रहा जैसे वो मेरे सामने खड़ा। जब वो छोटा था तो मैं अपने कंधे पर घुमाता था, आज मैं उसे शमशान ले गया अपने कंधों पर। हमेशा मुझे मामा कहकर ही बुलाता था। ये मेरी जिंदगी भी ऐसे ही थी, अब तुम्हारी भी जिंदगी ऐसी हो गई है भगवान। आपका बेटा इस दुनिया से चला गया, आप लोग तो रो रहे हैं, मेरी बेटी का पति चला गया, अब मैं क्या करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। होनी को कौन रोक सकता है, सब भगवान ही करते हैं, मैं क्या करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। टंडन मणि के कत्ल में शक अभी भी जारी है, कोई गवाह ना होने की वजह से एमएलए बेलू शेरवा इन तीनों को अभी फिलहाल बाइज्जत बरी किया जाता है, और इस केस की जल्द से जल्द छानबीन करके कोर्ट में हाजिर करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को मैं ऑर्डर देता हूँ। भाई अपने तिरुमंगलम कनेक्शन में एक दो फ्लैट अपने इस इंस्पेक्टर को दे देते हैं। हम क्या नहीं देने वाले थे, ये लिए बिना छोड़ देगा क्या? सर आप नाराज तो नहीं हो गए? वहाँ पर फ्लैट का रेट क्या चल रहा है? हम लोग उसे गिफ्ट दे रहे हैं, तुम रेट को लेके क्यों टेंशन ले रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानने के लिए। इनके एरिया में पहले से इनके दो तीन फ्लैट हैं। अरे इसीलिए तो दो देने के लिए बोल रहा हूँ। दोनों को एक ही जगह पर रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसकी औकात नहीं है उसे मास्टर की नौकरी, और जिसको नौकरी ना मिले वो भैंस चराए। लगता है इन जानवरों को चराते चराते मेरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। कहावत को क्यों उल्टा बोल रहे हो? जिसकी औकात नहीं होती उसे मास्टर की नौकरी, जो चोरी करता उसे पुलिस की नौकरी, ऐसा बोलो। चल जल्दी आओ। अरे शाम हो गई है, भूतों के आने का टाइम हो गया है, कब तक करता रहेगा? चल। अरे कब जाए यार, रुक जा। अरे चुप रहे। ए मामा, तुम्हें तो ये बात पता होगी ना, क्या भूत सच में होते हैं? अगर अच्छाई है तो बुराई भी होगी ना, भगवान नहीं होते हैं क्या? होते हैं। तो भूत भी तो होंगे ना। जब मैं छोटा था तो रात में सिनेमा देखकर आ रहा था, तभी रास्ते में 1.2 की सफेद साड़ी पहने हुए एक भूतनी को देखा। अच्छा, 2.2 का ब्लाउज होता है तो 1.2 की साड़ी कहाँ से होगी? अरे यार बेचारी गरीब होगी, इसलिए बेचारी के पास कपड़े नहीं होंगे और क्या। ए, मरे हुए लोग जो भूत बनकर आते हैं ना, जिसे हम ज्यादा प्यार करते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को दिखाई देते हैं, ऐसा मेरी दादी ने बताया था। हाँ, क्या तुम्हारी दादी ने नहीं बताया? मरे देखिए, ये तो मेरे भांजे जैसा दिख रहा है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हो रहा है क्या हुआ? मामा जरा उधर देखो, वो अपने मनी जैसा दिख रहा है ना। हाँ रे, ये तो भांजे की जैसा ही है। बचपन में मुझे मामा मामा करके बहुत प्यार करता था,
इसीलिए वो भूत बनकर मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सिर्फ मुझे दिखना चाहिए, तुम लोगों को भी दिखाई दे रहा है। जरूरी है क्या, वो जो जा रहा है भूत ही होगा। चलो चलो उसका पीछा करते। मुझे तो लगता है ये मणि का भूत है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भले वो भूत है लेकिन वो मेरा भांजा है, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। चलो चलो चलो। ए मामा, भूत ही है। भूत धोती पहनता है क्या? मेरा भांजा पहनता था। बाजू फोल्ड करके पहनता है क्या? मेरा भांजा फोल्ड करके ही पहनता है। देखो मेरा भांजा वीर की तरह जा रहा है। अरे वो तो जा रहा है मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मामा ये भूत तो गायब हो गया। मेरा भांजा घर में भी ऐसे ही लुका छुपी खेला करता था। लगता है ये भूत के लिए लड़की देखना शुरू कर देंगे। ए भांजे भांजे, देखा मामा कैसे गायब हो गया? शायद वो घर गया होगा अपनी माँ से मिलने के लिए। चलो घर चलते हैं, उसे देखते हैं। चलो 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 चलो। अच्छी तरह से देखो मामा, कुछ दिखाई दिया? ए, भांजा घर के अंदर जा रहा है। चलो चलो दोनों चलो। वो कहाँ चला गया? वो भूत के डर से कब का भाग गया, यहाँ तो है ही नहीं। ठीक है तुम चलो। देखा मामा, वो भूत होने के बावजूद एकदम सही एड्रेस पे जा रहा है। बड़ा भूत होकर भी अपनी माँ को देखने आया है, मैं जानता हूँ मेरा भांजा बहुत वीर था। अरे कहाँ खड़ा है वो, तो अंदर गया। चलो जल्दी। हे भगवान। अरे मुझे डर लग रहा है। अरे नहीं। मालकिन 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 उठिए, मालकिन मालकिन। अच्छा मैं, मालकिन उठिए। वो बहुत जिंदा नहीं है तो लकड़ी कैसे उठा रहा है? मैंने कहा ना मेरा भांजा बहुत वीर है। यस सर। एक को भी नहीं छोड़ना है, सबको अरेस्ट करना है। ओके ओके सर, ओके सर। चलो चलो। बहुत दिनों बाद हम सब मिलकर शराब पी रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। पुलिस स्टेशन में बैठकर शराब पीना किक जैसा लग रहा है। तो क्या चले जाओगे? बाहर खूब चिल्ला चिल्ला के पिएगा, और तो और बाद में एक ही बात बोलेगा, पार्टी चाहिए। छोड़ ना यार, बहुत लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, अपना भी ऐसा ही है। हम लोग 10-20 कमा रहे हैं और क्या। अरे साहब, 10-20 कमाने से घर कैसे चलने वाला है? जब थोड़ा बड़ा कमाएंगे तभी तो घर चलेगा ना। तू पहले कम कमाता था क्या? जो और चाहिए तुझे? हाँ और क्या, मुझे चाहे जितना मिल जाए कम ही रहता है। राजनीति वाले लोग और पुलिस वाले लोग साथ रहे तो घर अच्छे से चलेगा, तभी तो कमाई होगी। मुझे ही देख लो, उसने मुझे कितना टॉर्चर किया, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर आज मैं तुम लोगों के साथ शराब पी रहा हूँ और मजे कर रहा हूँ, और मुझे लगता है ये तो आम बात है। एक्सक्यूज मी। अरे बचा है, ये लेके जाइए ना। जरा इधर घूम ना, अच्छे से दिखाना। ये क्या कर रहे हो, ये क्या है? तुम यहाँ पर मेरी फोटो खींच रहे हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो, चमड़ी उधेड़ोगी? ठीक है चलो, चमड़ी उधेड़ के दिखा। छोड़ दो मुझे, फिर गले लग जा। छोड़ो। आजा, आजा। छोड़ो। कभी ना हो, कभी ना नहीं बोलता। कोई बचाओ मुझे। क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन है वे? सर देखिए सर, मैं लेडी कांस्टेबल हूँ, कपड़े चेंज करते समय मेरी फोटो खींच रहा था। मैं सेल्फी ले रहा था सर। तू चल रहे। मैंने उसके ऊपर हाथ उठाई है, गलती थी, पर तू मेरी कॉलर पकड़ रहा है। हमारे यही पुलिस स्टेशन में अपनी मर्जी से बैठ कर यहाँ पर गुलछर्रे उड़ा रहे हो? आपको पता नहीं है इस शहर में रहने वाले सारे बदमाश यहीं आकर पीते हैं, मालिक को भी पसंद आया तो यहीं आकर पीने लगे। मैं यहाँ का MLA हूँ, आप यहाँ नए आए हैं क्या? आइए पार्टी किया जाए। अच्छा MLA का पद है,
इसलिए इतना हवा में उड़ रहे हो। सीएम को एक रिपोर्ट भेज दूंगा ना तो यह पद भी नहीं रहेगा। सर सॉरी सॉरी। अरे यार क्या है ये? हेलो, बोलने से पहले हमारी पावर जान लो। अरे जब चाहे तुम्हारी वर्दी उतरवा सकते हैं। ए सुनो, जितनी जल्दी हो सके इस जगह को खाली कर दो, वरना पहले ही दिन मैं क्या हूँ ये सबको पता चल जाएगा। ए तू चल। हाँ सर। सॉरी सर, गलती होगी सर, ऐसा दोबारा नहीं होगा सर। ये सब क्या हो रहा था यहाँ पे? सर मैं उनसे मना कर ही रहा था लेकिन ये लोग मेरी सुनी नहीं रहे थे। डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहे हो तुम लोग। अरे वो पुलिस का मुंडा ज्यादा लगता है। चलो चलो। समधन जी, आपके बेटे के गुजर जाने के बाद आप सबको उसकी याद आती होगी। पिछली बार आपने इसको देखा तो अपना बेटा समझकर बेहोश हो गई थी ना। दुनिया में एक ही शक्ल के बहुत लोग होते हैं, वैसे ही ये भी है। छोटी उम्र में उसकी मौत हो गई, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद उसकी आत्मा है। वो मरने के बावजूद भी अपनी माँ और अपने मामा को देखने के लिए आया था, ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मेरी शक्ल से मिलने वाले आपके बेटे मणि के बारे में सोचकर मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, इस गांव में मैं नया इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ हूँ। मेरा नाम है राजा। आप बिल्कुल मेरे बेटे की तरह दिखते हैं। मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ था। आप ही नहीं माँ जी, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ इस गांव में सारे लोग देखकर मुझे डर जाते हैं। देखा ना कितनी साफ बात कर रहा है। आप लोग बेवजह चिंता कर रहे थे। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। पहली बार मेरे घर पर आए हैं, कुछ खा पी कर जाइए ना साहब। हाँ बेटा, हमें माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं, चाय क्या है, अगली बार तो मैं खाना ही खाकर जाऊंगा। ठीक है अंकल। ठीक है बेटा, जाकर जाकर। हफ्ता चाहिए तुम लोगों को। अरे सुनो, मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ तो इसमें लग जाती हो। आगे का क्या प्लानिंग है बताओ ना। क्या रे, कुछ अजीब लग रहा है क्या? मेरा कहने का मतलब है कि हम दोनों का दिल कब मिलेगा बताओ। क्या हुआ? मार्केटिंग में वसूली करने गए अपने लोगों को पुलिस खींच कर ले गई है। जान बजा कर आए। उस इंस्पेक्टर को मैं कैसे भगाता हूँ आप भी देखिएगा। वो इंस्पेक्टर कोई आम आदमी नहीं है। हमने उस लड़की के ऊपर हाथ रखा था, उसने अरेस्ट किया लेकिन उसने केस नहीं किया। उसे पता है मेरे आदमी हफ्ता वसूल करेंगे लेकिन उसने इंक्वायरी नहीं की। ये बात कन्फ्यूजन वाली। कौन सी बात कन्फ्यूजन वाली है? बस यही बोल रहा हूँ, उसे मार डालो। अगर उसे कुछ किया तो हम पे मुसीबत आ सकती है, ये बात याद रखिएगा। सही कहा, पहले हम लोगों ने मणि को मारा, वो आम आदमी था, लेकिन ये सरकारी आदमी है। हमने अगर इसे मारा तो प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को पता नहीं चलेगा किसने मारा। कांटे को कांटे से निकाला जाता है। कांटे को छोड़िए भाई, सेफ्टी पिन से भी तो निकाल सकते हैं। उस इंस्पेक्टर को मारने से पहले इसे खत्म कर दो। अरे आप गुस्सा मत कीजिए, पहले ये पीजिए ना। अभी क्या करने की सोच रहे हो? जज ने अपना फैसला सुना दिया है, अब हम लोग क्या उखाड़ लेंगे। उन्होंने रिहा किया, उसी की वजह से हमारी वाट लगी है। वो क्या कह रहे थे? एक भी गवाह न रहने की वजह से लोगों को रिहा किया गया। असली गुनहगार को पकड़ने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को मैं आदेश देता हूँ। कमाल कर दिया उन्होंने। देखा भाई ने क्या बोला कि जज ने कमाल कर दिया। सुना ना तुमने? मेरे साथ कब करोगी कमाल? हाँ हाँ करती हूँ करती हूँ। हाँ वो सब कुछ मैं देख लूंगा सर, आप चिंता मत कीजिए। एक मिनट। हाँ क्या सर, हुआ? 5 दिन की छुट्टी चाहिए थी। क्या कहा, 5 दिन? किस लिए? अपनी बीवी के साथ कोडाइकनाल टूर पर जा रहा हूँ सर। कोडाइकनाल? सेकंड है क्या? हाँ सर, इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। अंदर है, चलिए। ठीक है। ये कौन है खाना लेकर आई है? देखकर लग रहा है सर की माँ होगी। ओ माँ है, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे माँ जी आप यहाँ पर क्यों आई हो? नहीं बेटा, उस दिन आप आए थे, कुछ खिला पिला भी नहीं सकी आपको, तो हम सबको बहुत बुरा लगा कि आप ऐसे कैसे चले गए। मेरे बेटे को मछली बहुत पसंद थी, आप मेरे बेटे की तरह दिखते हैं, अगर आप खा लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर ऐसी बात है तो हम सारे लोग मिलकर ही खाते हैं। बेटा आइए, अच्छे से खाना बेटा। जी आपने मछली बहुत टेस्टी बनाई है। खाओ खाओ खाओ। सही कहा आपने। अच्छी तरह से खाओ, अच्छे से खाओ। बहुत अच्छा बनाया माँ जी।
सारा मत पी जाना, मुझे भी देना यार। अरे थोड़ा मुझे भी दे। अरे क्या करे। हाँ ए राधा कृष्ण बहुत अच्छा है। थोड़ा सा नमक ज्यादा पड़ गया है, गले में खरखर हो रहा है, फिर भी कोई बात नहीं। ए राधा कृष्ण, ए मुझे क्या हो रहा है, अजीब लग रहा है। ए राधा कृष्ण मुझे। सर जल्दी आइए, सर जल्दी आइए। सर ये दोनों बस सूप पी रहे थे, उसके बाद इन दोनों का ये हाल हो गया। सूप? पहले एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। ओके सर। सूप पीकर बेहोश हो गए? नहीं बेटा, आते वक्त प्यास लगी थी तो सोडा पीने के लिए एक दुकान पर गई। दुकान के बाहर दो गुंडे बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे मारने के लिए एक चाल चली थी। अरे इस समय तो इंस्पेक्टर उसके साथ ही जहर पी करके मर गए होंगे। मुझे सेंट्रल मार्केट से पकड़ के ले गया था ना वो पुलिस वाला, मरने दे उसको। उसका खेल खत्म। ये बात अपने भाई को पता चलेगी ना, बहुत तारीफ करेंगे वो अपनी। देख कितनी मस्त लड़की आ रही है। आशिक है तुम्हारे, आशिक है तुम्हारे, जरा हमसे भी नजर मिला ले। एलियन कुड़ी। एलियन कुड़ी आ कहाँ से रही हो? मदुरई तालाब कोलम। मदुरई तालाब कोलम। अच्छा तुम्हारी शादी हो गई? हाँ हो गई। ओ कितने साल हो गए? 8 महीने। अच्छा तुम्हारे पेट में कुछ पल रहा है क्या? नालायक कहीं के, बात करने की तमीज नहीं है क्या तुझमें? ऊपर हाथ उठा रही है। नहीं क्यों बे, सूप में जहर मिलाकर बेवजह दो लोगों की जान खतरे में डाल दी तुम लोगों ने। इंस्पेक्टर तुझे पता ना तूने किसको पकड़ा? सब कुछ पता है बे, उस कमीने के तुम लोग चमचे हो ना, नशे में तुम लोग नाच रहे हो। तुझे पता है हम कौन है? छोड़ेगा नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। बाहर जाऊंगा ना तो देख लूंगा तुझे मैं। ए छोड़ दे। वो लोग भी बहुत जल्द पुलिस स्टेशन में होंगे। कांस्टेबल इन्हें ले जाकर इनकी हड्डी पसली एक कर दो। ले जाओ। ए भांजे, अरे कहाँ जा रहा है? अभी आता हूँ मैं। मैंने आपकी बात कभी टाली है? चल बैठ जा। अरे तुम मेरा बैठना छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस दुकानदार के घर के सामने ना नाले में बहुत कचरा था, उसने कहा अगर मैं साफ करूंगा तो एक क्वार्टर देगा। मैंने नाले को साफ कर दिया, क्वार्टर लेने के लिए गया, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। क्या मामा, एक क्वार्टर के लिए कोई नाला साफ करता है? लगता है मेरी जिंदगी से ज्यादा आपकी जिंदगी में कष्ट है। ए तेरी जिंदगी में क्या है? नहीं मामा, तुम्हारे मालिक फ्री में पैसे देने वाले हैं। हाँ तो मेरे चाचा जी लोगों को सेंट्रल मार्केट में ब्याज पर पैसे देते हैं। मेरा भाई ब्याज पर पैसे देकर पूरे मार्केट में जो पैसे दिए हुए हैं उस पैसे को वसूली करने के लिए मुझसे कह रहा है। ए उन लोगों पर विश्वास मत करना, समझा? क्यों मामा? तुम सो रहे होगे, धोती में सांप डाल देंगे। ठीक है, अगर मैंने तेरे भाई को एक दिन नहीं मारा ना तो मेरा नाम रमैया नहीं। मामा 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 देखो ये तो कपड़ा है। अच्छा मामा ये किस तरह का कपड़ा है? यार है? जो चीज औरतों की है तो मुझे दिखा रहा है। मैं नाले को साफ करके आया हूँ लेकिन अभी तक क्वार्टर नहीं आया है। मामा तुम यहाँ से चलोगे कि उठा के ले जाऊँ तुम्हें? क्या? नहीं मामा एक जरूरी बात करनी है। ऐसा क्या? इस लड़के से शादी कराकर मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। ए तुम किसे कह रहा है ये? ए मैं सच बोल रहा हूँ। अरे क्या जान लोगे तुम मेरे भांजे के बारे में? किसको देखकर आपने ऐसा बोल दिया? वो किस परिवार से है आपको पता है ना?
बानेरी गांव में रहने वाले सभी लोग अपने सरपंच से बहुत ही खुश हैं और इस गांव में साल में एक बार भव्य मेला लगता है। तुमने उसे फेंक क्यों दिया? उसे सर पर बांधना शगुन होता है। इतने सालों से तुम बांधते चले आ रहे हो, इस साल मैं बांधूंगा, समझ गए ना? क्या है ये? हाँ। ये तो रिवाज को बदलने के लिए बोल रहा है। क्यों नहीं बदलना चाहिए? तेरी माँ अलग हो सकती है लेकिन बाप तो एक ही है ना। तुम्हें गाँव में जो इज्जत मिलती है मुझे भी तो मिलनी चाहिए ना। पति पत्नी मिलकर सब कुछ हड़पना चाहते है। मेरे पति के बारे में इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? बोलूं क्यों ना बोलूं? सच बोल रहा हूं तो कड़वा लग रहा है तुम्हें? अब बताता हूं तुम्हें। आज मैं तेरी इस वॉइस को खत्म कर दूंगा। अरे क्या हो गया तुम्हें? ठीक तो हो? इसे लेकर जाओ, जाओ यहाँ से, चले जाओ। चलो ले चलो इसे। आज इस बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। कौन से मौत हुआ? उमा अरे उठाओ इसे जल्दी। मालिक हॉस्पिटल चलो। हाँ लेकर जाओ, चलो जाओ जाओ इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, ले जाओ। हम बच्चे को बचा नहीं पाए, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ सर, हमने पूरी कोशिश की। अगर वो पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्यों रो रहे हो? मालकिन, 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 उन दोनों ने बेवजह एक दूसरे को मार डाला। मालकिन, क्या कर रहे हो तुम? मालकिन, सब क्या हो गया? मालकिन, सॉरी हमने बचा नहीं पाया। हमें दो बच्चों को कैसे संभाल पाएंगे डॉक्टर? माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, क्या होगा? इन दोनों बच्चों में से अगर आप एक बच्चा इन्हें दे देंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। क्या कह रही है? मालिक भी मर गए और मालकिन भी मर गई। इन दोनों मासूम बच्चों को कौन संभालेगा? डॉक्टर आप ये बच्चा इन्हें दे दीजिए, एक बच्चा मेरे पास ही रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, इस बच्चे को देखकर आपने मेरी बीवी को बचा लिया। देखिए उसकी जैसी इच्छा थी मैं वैसे ही इसकी परवरिश करके एक अच्छा आदमी बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, दामाद जी के परिवार को जाने बिना मैंने गलत बोल दिया था। मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो हमसे बड़े हैं, ऐसा करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए। साहब मेरा बेटा मणि का भाई है, हम लोग मणि की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है चलिए शांति की प्रार्थना करें। आप दिया जलाइए।
क्या है भांजे? मामा मेरी बहन की बेटी की शादी होने वाली है। ठीक है मामा, हूँ इसलिए पत्रिका में बड़े अक्षरों में मेरा नाम लिखा है। फिर तो क्या? उसे बकरी लेकर देने के लिए बोला था मैंने, बकरी खरीदने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। आप एक जानवर दे दे तो बकरी के मीट के साथ मिक्स कर दूंगा। हाँ ठीक है, शराब के नशे में कहाँ पता चलता है। कितने रुपए तेरे पास? 1000 रुपया है मेरे पास। अरे क्या बात कर रहा है, 1000 रुपए में जानवर कहाँ मिलेगा? मामा अपने भांजे के साथ कीमत लगा रहे हो, बात दिल को छू गई रे। अरे मुद्दू जरा इधर आ। क्या बात है मामा, मैं जरूरी काम से जा रहा था। तुम जो जरूरी काम करो मुझे नहीं पता क्या? इसकी बहन की बेटी का फंक्शन है। ठीक है, भांजे का नाम कार्ड में लिख दिया है और बोल दिया है कि तुझे 10 बकरे काटने हैं। इसके बाद सिर्फ 8 बकरों का ही पैसा है। हाँ? तो फिर ये 2 बकरों के बदले में किसी और जानवर को काट करके उसमें मिक्स कर देगा। हाँ? ऐसा इसने मुझसे कहा। हाँ? ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा तू एक काम कर, उस बंगले से तू जा करके 2 जानवर उठा करके ले आ। हाँ भाई, उसे बोरी में डालकर बांध करके भांजे को दे दे। जा जा। ओके जाता मैं। वो क्या है मामा, 18 वेराइटी का? 18 वेराइटी का जानवर अगर तू ले जा करके उसमें मिला देगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे मेरे मामा के पास इतना दिमाग है ना, इस दुनिया में इतना दिमाग किसी के पास नहीं होगा। मैं जाकर आता हूँ। संभल कर रहना, कहीं काट ना ले। ए, तूने मेरा पैसा भी नहीं दिया और इसका ब्याज भी नहीं दिया। मालिक, दूंगा। उनका पैसा जल्दी से दे दे, कहीं मार खाते खाते मर मत जाना। चल जाए यहाँ से। तेरी तो, निकल यहाँ से। ए, जरा उधर देख, वो इंस्पेक्टर इधर ही आ रहा है क्या? हाँ, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, उसे पता चल गया होगा इसलिए कुछ लफड़ा करने के लिए आया होगा। आइए सर, भगवान के दर्शन बहुत नसीब से होता है। अच्छा, बीच रास्ते में बैठकर क्या डिस्कशन कर रहे हो? डिस्कशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है सर, हम लोग तो बस आपके गांव में टंडन मनी करके कोई आदमी था और उस टंडन मनी की कुछ 3 लोगों ने दुश्मनी निकालने के लिए उसकी हत्या कर दी, इसलिए उसका पता लगाने के लिए मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है। किसी ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को सूप में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी वो कोशिश जाया हो गई, वो उसे नहीं मार पाए। लेकिन 2 पुलिस वाले बेचारे बेवजह मारे गए। अच्छा वैसे मैंने जो अभी कहानी बताई वो कैसी लगी आप लोगों को? क्या बात है, आप लोगों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? लगता है तुम लोगों को कुछ कुछ समझ में आ गया है। वैसे इस कहानी को सुनने के बाद तुम लोगों के दिमाग में ये हमेशा घूमती रहेगी। कहानी बहुत अच्छी है सर, फिल्म बना सकते हैं। ये कहानी आपने बनाई है क्या? कहानी एकदम बढ़िया है। हर आदमी को अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलता ही है, और टूटी छत के नीचे कभी किसी को सोना नहीं चाहिए। हाँ अरे जा रे, बड़ा आया कहानी सुनाने वाला है। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। क्या वेलू, इस शेरवा का 1 हफ्ते से कुछ अता पता नहीं? हाँ भाई सही बोल रहे हैं, हमेशा बता के ही जाता है, लेकिन इस बार कहाँ गया? अरे कहाँ गया होगा, मेरे ख्याल से वो कहीं टूर पर निकल गया होगा, पैसे खत्म होते ही वापस आ जाएगा, मरा थोड़ी होगा वो। हाँ
मेरा सारा ब्लैक मनी उसके पास ही है। मुझे पता है 120 करोड़ 66 लाख उसके पास है। जानता हूँ। मुंह बंद करवाइए। किसी ने कुछ पूछा क्या तुमसे? आपसे ज्यादा तो मैं दे के रखा हूँ। मेरी पूरी जायदाद तो उसके पास ही है। सुनिए, मुझे एक डाउट है। कहीं आप दोनों का पैसा लेकर वो कहीं सेटल हो गया हो तो मेरा मतलब नहीं तो क्या? ये मदुरई के रोड पर और साहब मदुरई की गली में भीख मांगते नजर आएंगे। मतलब काट दूंगा। कोई मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ का मैं ही राजा हूँ। मैं हूँ इस बैलो गाड़ी में चला दो, तुम पीछे बैठ जाओ। चलो बैठ जाओ ना। सर। हाँ ठीक है बैठो। ए इंस्पेक्टर सर आइए ना सर। क्या बात है, आप पुलिस स्टेशन में आ गए मिलने के लिए? हाँ पुलिस स्टेशन देखने के लिए ही आया हूँ मैं। अच्छा इसलिए आए हैं क्या? चलिए मैं आपको घुमा देता हूँ। अच्छा तो अपने आप को हीरो समझते हो क्या? यूनिफॉर्म पहनी है तो जो चाहोगे वो करोगे। सुनो, दो खून किए हैं तुमने। मैंने? तुमने जिन्हें मारा है वो आम आदमी नहीं थे, मेरे जिगरी दोस्त थे। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। स्टेट से लेकर सेंटर तक की ताकत को इस्तेमाल करके तेरी इस वर्दी को उतरवा दूंगा। ए, इधर देख, इस पुलिस स्टेशन को जलाकर राख कर दूंगा। ठीक है तो फिर देख ही लेते हैं कि कौन किसको जलाता है। कौन किसको जलाता है देख लेंगे। मालिक मैं आपका पीए बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ बोलो। मालिक अपने फ्लैट को खरीदने के लिए मुंबई से सुपर फिगर आई है, आप जल्दी से आकर डील कर लीजिए। ठीक है तुम वही रुको, मैं भी आता हूँ।
तुम जैसे कमीने लोगों का अंत इसी तरह से होता है। ज्योति, भगवान की आरती कर लो बेटी, आज शुक्रवार है ना, इसीलिए। नमस्ते। क्या बात है, बिना बताया गए? एक अच्छी बात करने के लिए मैं आया हूँ, चलिए अंदर चल के बात। आई 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 भैया, आई कौन आया है? आइए आइए आइए। ये फल लेकर के क्यों आए? राजा का भाई मनी गुजर गया है, इस लड़की की जिंदगी खराब ना हो इसलिए बेटे के लिए हाथ मांगने आया हूँ। मेरे बेटे की मौत हुए अभी एक साल भी नहीं हुआ है और इतनी जल्दी लड़की का हाथ मांगने के लिए आ गए, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है हमें क्या पता। हम इससे ही इसकी मर्जी पूछ लेते हैं। क्यों बेटी, तुम क्या कह रही हो? नहीं पापा, मुझे नहीं करनी। देखो बेटी, मेरा बेटा एक अच्छा इंसान है, तुम्हारा पति और मेरा बेटा दोनों एक जैसे ही हैं। ये जिंदगी तुम्हारी है, खुशियां भी तुम्हारी हैं, तो तुम्हें ही फैसला करना होगा। क्यों भाई साहब, मैं सही बोल रहा हूं ना? मेरा भांजा गुजर गया और ये बच्ची बहुत दुखी है, मैं इससे जबरदस्ती नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिए। आप सब लोग मेरी बेटी की जिंदगी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? आप बड़े होकर ये सब कह रहे हैं तो अब इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, ये भी तो हमारा ही बेटा है, अगर ये राजी है तो हम लोग भी राजी हैं। बेटी, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, मना मत करना बेटी, हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए है बेटी, हाँ बोल दो। अभी तुम जो फैसला करोगी हम सब उसे खुशी खुशी मान लेंगे। बेटी, तुम्हारे पापा इतना कह रहे हैं तो हाँ कर दो ना। सासू माँ, आप कह रही हैं तो ठीक है, चलो। तुम्हें इस रूप में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुम मान गई बेटी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सदा खुश रहो, तुम दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताना। ठीक है पापा।